अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे निहारी। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है निहारी की, तो वो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले हम उसका मसाला रेडी करेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून धनिया है, और 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1/2 टीस्पून से कम शाह जीरा लिया हमने, और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून है, लौंग है 6 से 7, और ये जावित्री का फूल है आधा, और जायफल का हमने ये इतना पीस लिए है, और 2 दालचीनी के पीस है, एक स्टार फूल है, और 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, और इसमें 2 तेज़ पत्ता है, और 1/2 टीस्पून हमने जिंजर पाउडर लिए है, और 5 से 6 इसमें तीखी वाली मिर्ची जाएगी, और 5 से 6 इसमें कश्मीरी मिर्ची, आप इसकी जगह पाउडर भी ले सकते हैं। अभी हम जो भी ये चीज़ें हैं इसको हम साबित उसको हम भूनेंगे हल्का, और ठंडा करके इसको हम पीसेंगे। पैन रखे हैं, अभी इसमें हम धनिया डालेंगे, दालचीनी, और ये सारी चीज़ों को हम हल्का हल्का भून लेंगे। साथ ही हमें इसमें चिली भी डालनी है। बस हल्का रोस्ट करना है धीमी आंच पे, इसको ज़्यादा ये नहीं करना है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसको इसी चम्मच चलाते रहेंगे। इसको ठंडा होने पे हम इसको पीसेंगे। सकते हमने इसको पीस के ले लिए मसाले को, और ये सौंठ है इसको भी हम जिंजर पाउडर इसको भी इसमें मिक्स करेंगे, और 1/2 टीस्पून हल्दी लिए इसमें, 1/2 टीस्पून हमने नमक लिए, ये सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स करेंगे और एक जार में भर के रखेंगे। ये 1 किलो का मसाला है। निहारी की तैयारी करेंगे। ये मेरे पास गोश्त रखा हुआ है, ये 1/2 किलो से ज़्यादा है, और ये 2 बड़ी प्याज है, इसमें से मैं आधी प्याज का निकाल के रखूँगी, तो लास्ट में मैं इसको तड़का देने के लिए 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 3 टेबल स्पून हम इसमें आटा लेंगे, और ऑयल लेंगे हम 1/2 कप से ज़्यादा लेंगे, और ये मेरे पास जो गरम मसाला है अभी का बनाया हुआ नहारी मसाला, इसमें से हम 1/2 लेंगे, और नमक अपने हिसाब से चखेंगे, और चिली पाउडर अगर आपको और डालनी है तो आप उसमें डाल सकते हैं, मैंने इसमें डाली हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। अभी हम शुरू करेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज डालेंगे और थोड़ी बचा के रखेंगे। ये हो गई लाइट ब्राउन, अभी इसमें हम गोश्त डालेंगे। गोश्त हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करके दिए हैं, इस साइज के विद बोन है। ये अच्छी तरह इसमें हमने भून लिया, इसमें जिंजर गार्लिक डालेंगे। इसमें तेज पत्ता हम ऐड करेंगे, और इसमें का 1/2 मसाला डालेंगे इसमें। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिए मसाला डालकर, आप इसमें थोड़ी चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें हम 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, और इसको हम पकाएंगे। अगर आप इसको कवर करके पकाते हैं तो मीडियम आंच पे आप इसको 1 घंटे तक पकाना है, जब तक ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए। मैं इसको कुकर में इसको गोश्त गलने तक पकाऊंगी, और नमक भी अपने हिसाब से चख कर इसमें डाल देना है।
ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये हो गया है। अभी हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसका ऑयल जो ऊपर आएगा सेपरेट उसको हम निकालेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, अब इसका हम ऑयल जो इसमें सेपरेट ऊपर है वो निकालेंगे इस तरह से, एक प्याले में निकाल निकाल के लेंगे। ये ऑयल हमने निकाले हैं, अभी इसमें हम आटा घोल के आधा गिलास पानी डालेंगे आटे में और घोल के इसमें डालेंगे। अब आटे को हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे थोड़ा थोड़ा और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया हूँ। ये आप देख सकते हैं, अभी इसको मैं 10 से 15 मिनट और इसको मैं पकाऊंगी कवर करके और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें अच्छी तरह जोश आ गया है और ये आटा हमने डाले थे इसको 15 मिनट इसको पकाए हमने और ये अच्छी तरह पक चुका है। और साइड में हमने इधर पे जो ओनियन रखे थे उसको हमने थोड़े से ऑयल में ब्राउन कर दिया, इसमें डाले थे। थोड़ी देर के लिए हम कवर करके ये करेंगे और डिश आउट करेंगे गैस ऑफ करके। ये हो गया है, अभी हम गैस ऑफ करेंगे। ओके, और थोड़ा हम इस पे हरा धनिया, ग्रीन चिली और ये जूलियट जो हमने कट करके रखे जिंजर के इसको हम डालेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे बनाई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।